डायनासोर टैटू रूम में आप लोग का स्वागत है और मेरे पास है यहाँ पे सैमसंग की गैलेक्सी वॉच एक्टिव और ये सैमसंग की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच है जो सैमसंग ने रिसेंटली S10 की डिवाइसेस के साथ में जो वो अनवील्ड किया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को सबसे पहले बता रहा था कि यहाँ पे इसकी जो प्राइस रखी गई है वो यहाँ पे ऐसा मैंने पूछा तो बताया कि 200 यूरोस की है। अगर आप उसको कन्वर्ट करते तो इंडिया में लगभग से 20,000 के आसपास जो वो हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो मेरे हिसाब से बेटर है क्योंकि मेरे पास जो गैलेक्सी वॉच है ये तो 30,000 रुपये की इंडिया में मिलती है और उसके ऊपर मिलती है। अगर 20,000 से अगर ये मिलती है तो मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर आपको देखने को मिल जाता है। आप सबसे पहले एक बात बता रहा था कि इसमें आपको रोटेटिंग व्हील नहीं मिलती है जो सैमसंग ने अपने गैलेक्सी वॉच में दिया, जो मेरे पास यहाँ पे ये रोटेटिंग व्हील के साथ में आपको मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं स्पेक्स की बात करूँ तो आपको 1.1 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, सर्कुलर डिस्प्ले, और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और विजिबिलिटी अगर आप देखते हो तो वैसे आपको काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लॉक फेस के बारे में बता देता हूँ, प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो नॉर्मली आप जैसे कि स्मार्ट वॉच में अपने क्लॉक फेस को चेंज करते हैं वो यहाँ पे आके आप जो कर सकते हैं। आपको दो बटन मिलते हैं यहाँ पे, एक आपको बैक बटन है और दूसरा आपको होम बटन और पावर ऑन ऑफ के लिए आपको काम आता है। और अगर आप बिल्ड की मैं बात करता हूँ तो पीछे आपको हार्ट रेट सेंसर भी देखने को मिलता है, आप देखेंगे यहाँ पे। और ये जो स्ट्रैप है ये आपको अलग अलग कलर्स में मिलते हैं, ग्रीन है, ब्लैक है, पिंक है, गोल्ड है, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। ये रिमूवेबल स्ट्रैप आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, बहुत ही लाइट वेट है, डिजाइन बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छी मुझे फिलहाल के लिए हाथ में ये वॉच जो लग रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को स्लीप है, स्लीप ट्रैकिंग है, स्ट्रेस ट्रैकिंग है, फिटनेस से रिगार्डिंग आपको हर वो चीज मिलती है जो एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिलना चाहिए। ये वाटर रेजिस्टेंट है तो आप इसको पानी के अंदर 50 मीटर तक लेके जा सकते हैं और जो चाहे आप इसके साथ कर सकते हैं। बिल्ट इन आपको GPS मिलता है और उसके अलावा भी आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को 230 mAh की बैटरी मिलती है और अगर यहाँ पे अगर हैवी यूज करते हैं तो 45 घंटे तक आपको बैकअप मिलता है और अगर नॉर्मल यूज करते तो 90 घंटे तक आपको यहाँ पे जो वो बैकअप मिलता है, तो अच्छी बात है। और उसके अलावा अगर थोड़े बहुत फीचर्स को मैं एक्सप्लोर करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो नॉर्मल नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। ये सैमसंग गैलेक्सी जो वॉच है उससे वैसे काफी मिलती जुलती है। और राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये देखेंगे ये पूरा मेन्यू है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है और आपके मोबाइल से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन वगैरह इसमें आएगा। इसके द्वारा पे भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको अपने मोबाइल से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है तो आप डायरेक्टली अपने अगर वायरलेस चार्जर है आपके पास तो उस पर लगा के इसको चार्ज भी कर सकते हैं वायरलेसली, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। आप देखेंगे वो सारे फीचर्स जैसे कि मैंने आपसे कहा था वो आपको यहाँ पे इस वॉच के अंदर जो वो देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो वॉच है ये टाइजन OS 4 पे चलती है और यहाँ पे ब्लूटूथ, NFC, वाईफाई और बहुत सारी कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे इस वॉच में देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही फीचर पैक आपको स्मार्ट वॉच मिलती है, अलग अलग कलर्स में मिलती है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है काफी, बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सैमसंग इसको इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च करता है। वैसे मैं काफी इंप्रेस हूँ उसकी प्राइस से, अच्छी लग रही है, सैमसंग की ब्रांडिंग है यार बहुत ही बढ़िया है। अब देखते हैं इंडिया में जब भी आएगा मैं आप लोग को उसके बारे में और डिटेल में वहाँ पे जो बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, मैं बहुत सारे वीडियोस आप लोग को MWC से यहाँ पे देता रहूंगा और आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।